पिथौरागढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया, साथ ही करीब 6 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को चेक वितरित भी किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को देहरादून दौरे पर रहेंगी। रक्षा मंत्री सर्वे स्थित प्रेक्षागृह में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को संबोधित करेंगी। इस मौके पर पूर्व सैनिकों की ओर से रक्षा मंत्री को सम्मानित भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगी, साथ ही क्लेमेंटाउन क्षेत्र में प्रस्तावित करीब 16 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। हरबंस कपूर जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर काफी संख्या में बेटियां पढ़ती हैं, लेकिन उनके लिए क्लासेस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हम इसको प्रायोरिटी पर देंगे। बेटियों हमारी बेटियों की शिक्षा में से हमारी प्राथमिकता, लेकिन बेटियां हमारी और बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो खाली नारों से काम नहीं चलेगा, तो हमको उनके लिए व्यवस्था देनी पड़ेगी। और यहाँ पर 3,57,00,000 रुपया विद्यालय भवन के दिए गए हैं। देखिए रक्षा मंत्री जी यहाँ पर जो शहीद परिवार हैं उनको मिलने के लिए आ रही हैं, और कुछ उन्होंने जो कैंट एरिया है उसमें कुछ पैसा उन्होंने आवंटित किया है पेयजल योजनाओं के लिए, कुछ और बातें उनसे बातचीत करेंगे। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट।